iPad, iPad Air 5G। सो हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ iPad Air 5G के बारे में। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले, नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। सो जब आप बॉक्स को खोलते हैं तो वहां पर मिलता है आपको एक प्यारा सा iPad Air 5, उसके साथ मिलता है आपको कुछ प्रेम पत्र और यहां पर आपको मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल, एक 20 वॉट का ठीक ठाक चार्जर और उसके साथ मिलता है आपको एक USB टाइप सी टू टाइप सी केबल। अच्छा किया जो यहाँ पर एप्पल वालों ने लाइटनिंग पोर्ट को नहीं दिया। 6 वेरिएंट्स में आता है ये आपका iPad Air 5 विथ वाईफाई मॉडल या सेलुलर मॉडल। हाँ, अगर आप सेलुलर मॉडल लेते हैं तो आपको प्राइस में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। 64GB और 256GB वेरिएंट्स में आता है ये आपका iPad Air 5। आपको मिलती है यहाँ पर 10.9 इंचेस की एक ट्रू लिक्विड रेटिना डिस्प्ले विथ 16Hz रिफ्रेश रेट। तो अगर सोच रहे हो कि स्मूथ गेमिंग होगी तो आप उसके लिए iPad Pro पर ही शिफ्ट हो जाओ। 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस वाली मिलती है आपको डिस्प्ले और एप्पल पेंसिल सेकंड जनरेशन सपोर्ट करता है इस iPad Air 5 में। और पेंसिल को चार्ज लगाने के लिए तो आपको iPad के साथ ही चिपकाना पड़ेगा, नहीं तो वो अलग नौटंकी करता है। बाकी यहाँ पर आपको मिलता है एप्पल का वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रोसेसर, दैट इज एप्पल M1 चिप, जिसकी अंततः स्कोर है लगभग 9 लाख, जो आपके इस iPad को मक्खन की तरह चलाएगा। बाकी फ्रंट और बैक आपको दोनों में 12 मेगापिक्सल्स के कैमरा मिलता है, बट यहाँ पर आपको फ्रंट में आपको मिलता है अल्ट्रा वाइड कैमरा विथ फेस टाइम वीडियो सेंटर स्टेज का सपोर्ट, जिससे कि आप कैमरे के कितने भी कोने में चल जाएं आपको ये कैमरे के बीच में ला ही देगा। बाकी कहने को तो इसमें 4 स्पीकर्स हैं, बट यहाँ पर 2 स्पीकर्स तो मुंह दिखाई के लिए हैं, बाकी 2 स्पीकर्स यहाँ पर काम करते हैं। बाकी ऊपर में आपको मिलता है आपको टच आईडी वाला सेंसर, जिससे कि आप इसे पावर ऑन कर सकते हैं। साइड में मिलता है आपको एक सिम लगाने के लिए एक सिम ट्रे टूल अगर आप एक सेलुलर वर्जन लेते हैं तो। तो यही थी इसकी मुंह दिखाई। बाकी अगर हम इसके बैटरी की बात करें तो एप्पल वाले तो कभी अपने आईपैड में बैटरी के बारे में बताते ही नहीं है कि कितनी एमएच की इन्होंने बैटरी दी है। बाकी इसमें आपको मिल जाएगी ऐसी बैटरी जो अप टू आपको 9 आवर्स का बैकअप दे ही देगी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या आपको इस iPad Air 5G को बाय कर लेना चाहिए। तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि अगर आपके पास iPad Air 4 है या आपके पास पहले से एक iPad Pro है तो आप बिल्कुल इसे बाई ना करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग इसके चिप और इसके 5G सपोर्ट को देखकर ही इसको बाई कर रहे हैं। बट अभी तक तो इंडिया में 5G आया भी नहीं है। बाकी अगर हम दूसरी बात करें तो ये पहले से एक टैब है और इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो इसके प्रोसेसर की जान ले सके। अगर ये लैपटॉप होता तो बात अलग होती। बाकी अगर आपको लेने का मन ही है तो आप 64GB 8GB वाले वेरिएंट को ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप 256GB वाले वेरिएंट को लेने जा रहे हैं तो उसे बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि आपको सेम इसी प्राइस रेंज में एक iPad Pro मिल जाएगा जो कि इससे मच बेटर होगा और उसमें भी सेम एप्पल का M1 चिप देखने को मिलेगा और वहाँ पर एक बड़ी डिस्प्ले और आपको वहाँ पर डुअल कैमरा देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है तो ये आपके लिए एक परफेक्ट प्रोडक्ट है। बाकी गेम तो इसमें अच्छा चलता ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सो बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। साथ में मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।